जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में न जाने कितनों का सुहाग मिट गया, कितने घरों का इकलौता चिराग हमेशा के लिए बुझ गया और कितने बच्चों के सर से उनके बाप का साया उठ गया। ऐसी ही एक दिल को द्रवित करने वाली घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की है। यहाँ चौबेपुर के तोफापुर गांव में रहने वाले श्याम नारायण यादव के छोटे बेटे रमेश यादव भी इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। जवान शहीद रमेश यादव का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इन सबके बीच दिल को छूने वाली एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस मासूम की क्या खता है। हम बात कर रहे हैं रमेश यादव के 1.5 साल के बेटे आयुष की, जिसने बीते 4-5 दिन पहले से ही पापा बोलना शुरू किया था। लेकिन उसे क्या पता था उसने जिस शख्स के लिए इस शब्द को सीखा था वह शख्स अब कभी लौट कर नहीं आएगा। हमारा बेटा गया है, खून का बदला खून। हमारी सरकार है, मान रही है मोदी सरकार को, उनके पावर है। खाली जवान में लगाम दिखाने की, जनता की भरमा की, ये काम नहीं करना चाहिए। यहाँ प्रत्येक इस देश का प्रत्येक नागरिक, इस परिवार का एक एक आदमी, उनके पिताजी, बच्चे, भाई सब ये चाहते हैं, उनके दोस्त मित्र ये चाहते हैं कि इस पर तत्काल सरकार कार्रवाई करे। केवल बात करने से नहीं होगा, तत्काल इस पर बदला लिया जाए और कठोरतम कार्रवाई करे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में वाराणसी के लाल रमेश यादव शहीद हुआ और आज उनकी अंत्येष्टि यहाँ बलुआ घाट पर संपन्न हुई है। उनके पिता ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज दिया है कि सिर्फ कहने से नहीं होने वाला है बल्कि कुछ करना होगा, यानी अब सच में करने का वक्त आ गया है। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।